कठुआ के पिलावर इलाके के मछेड़ी में आतंकियों ने एक सैन्य वाहन पर घात लगाकर किया हमला। हमले के बाद सुरक्षा बल और आतंकियों में शुरू हुई मुठभेड़। घटनास्थल की ओर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी किया गया रवाना। शिखर सम्मेलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री का रूस का दौरा, यंग बाइट्स की टीम भी मौजूद। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की जा रही है कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से बातचीत, लोगों का कहना ये बैठक अहम। स्वास्थ्य विभाग ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पोनी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया है। अपनी तरह की पहली ऐसी पोनी एम्बुलेंस होगी जहां मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधा होगी और यात्रा के दौरान मार्गों पर यह श्रद्धालुओं के साथ चलेगी। श्रद्धालुओं ने इस तरह की सेवा की सराहना की है। पिछले 23 वर्षों में एनजीओ श्री महादेव अमरनाथ यात्रा सेवा संघ बठिंडा रेल पटरी बालटाल में अमरनाथ तीर्थयात्रियों को मुफ्त दवाइयां प्रदान कर रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद करने के मिशन के साथ ये एनजीओ उन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए आशा की किरण बन गया है जो पवित्र गुफा में दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए 11वां जत्था रवाना। अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु टेक चुके हैं माथा। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5,800 से अधिक तीर्थयात्री सोमवार को 3,880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा मंदिर के 2 बेस कैंपों के लिए जम्मू से रवाना हुए। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। मिली जानकारी के मुताबिक गुफा में माथा टेकने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2,00,000 से अधिक हो गई है। जम्मू से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है युगों पुराना शोवा माता का मंदिर, जहां होते हैं हर रोगी के रोग दूर, होती है हर मनोकामना की पूर्ति। दूर दूर से श्रद्धालु लगाते हैं माता के दरबार में हाजिरी। नवरात्रों में विशेष तौर पर की जाती है पूजा अर्चना। कुलगाम में स्थानीय आतंकियों के मौजूद होने की आशंका। डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा कि कुलगाम में 2 मुठभेड़ों में अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। डीजीपी ने कहा कि 6 आतंकियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में 2 सैनिक बलिदान हुए हैं।